सब्सक्राइब करें चैनल टेक्निकल सोनी जी एंड प्रेस ऑन बेल आइकन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। कभी उज्जैन में कर रहे हो, कभी मध्य प्रदेश के किसी कोने में, कभी भारत के किसी कोने में एट्रोसिटी के विरोध में अनेकों आवाज उठा रहे हो। कौन आया तुमसे पूछने? वो जो नकली धोती पहनते हैं मंदिर में आने के लिए, हम पास रोज पहनते हैं, रोज सिर्फ मंदिर में जाने के लिए नहीं पहनते हैं। और हम किसी को टोपी पहनाने के लिए टोपी नहीं पहनते हैं। आज आप सबके सामने हम कह रहे हैं हम टोपी नहीं पहनेंगे। क्यों? टोपी पहनाने का शौक नहीं है हमें। कोरे अंग्रेज चले गए, काले आ गए, और काले अंग्रेजों ने ऐसे ऐसे रूल बना दिए जो इस देश की धज्जियां बिखरने के लिए काफी है। लिविंग रिलेशनशिप, ये भारत की संस्कृति है क्या? बताइए ईमानदारी से, कोई सभ्य समाज के लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? लिविंग रिलेशनशिप इस देश की, कब से आवाज लगा रहे हैं? कहूं हत्या बंद करो, हुई क्या? कब से कह रहे 370 खत्म करो, हुई क्या? कब से कह रहे राम मंदिर बनाओ, बना क्या? क्या बन गया? एट्रोसिटी। राम मंदिर नहीं बनाएंगे लेकिन एट्रोसिटी जरूर ले आएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं हूं, मैं किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं, मैं इस कानून के खिलाफ हूं। और इसलिए नहीं हूं, मैं नहीं चाहता कि एट्रोसिटी ऐसी ऐसी एक्ट खत्म हो। मैं ये चाहता हूं जो बिना जांच के अरेस्टिंग है से वो खत्म हो, उन भाइयों को भी न्याय मिले और हमें भी न्याय मिले, न्याय सबको मिले, अन्याय किसी को आजाद नहीं है। उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर हमें आजादी में सांस लेने का मौका दिया, हमें वो मौका नहीं मिला, लेकिन हमें मौका मिला है आज इस देश को अखंड रखने का और उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का, उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का जो लोग जाति के नाम पर, कानून के नाम पर इस देश को खंड खंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ईमानदारी से बताओ कौन है दोषी? अभी मैंने आज तक चैनल पर एक मंत्री जी का वीडियो देखा, वो कह रहे थे हमने सूरत से साड़ियां मंगाई हैं। कहां से मंगाई है? क्या करोगे मंत्री जी इनका? कितनी हजार? 10,000 ही वोट मिलेंगे उनको। उन्होंने साड़ियां मंगाई है इसलिए, ऊपर से कह रहे थे साड़ी बांटेंगे तो वोट नहीं मिलेगी का? मिलेगी नहीं, कैसे देखते हैं कैसे नहीं मिलेगी। अब एक बात बताओ, दारू के पहिया पौआ के लिए, साड़ी के लिए, चंद रुपयों के लिए अगर तुम वोट बेच दोगे और ऊपर से ये उम्मीद रखोगे कि वो हमारे देश को और हमारे प्रदेश को न बेच दे, तो गुनहगार वो नहीं, गुनहगार हम है। कोई जाति के नाम पे वोट देता है, कोई पैसे के लिए वोट देता है, कोई दारू के लिए वोट देता है और माताएं साड़ी के लिए वोट देंगी, कैसे देश का विकास होगा? कैसे प्रदेश का विकास होगा? मंत्री जी साड़ी देंगे हम चलें? मैं कह रहा हूं जिस दिन साड़ी लेना बंद कर दोगे, जिस दिन रुपया लेना बंद कर दोगे, जिस दिन दारू पीना बंद कर दोगे और खुले दिल से अच्छे लोगों का समर्थन करना शुरू कर दोगे, उस दिन प्रदेश का भला होगा, देश का भला होगा। न मुझे चुनाव लड़ना है, न मुझे एमएलए बनना है, न मुझे सांसद बनना है, न मुझे मंत्री और न मुझे सीएम बनना है। उसके बाद मैंने देखा मध्य प्रदेश में 525 सीएम घूम रहे, एक सीएम नहीं है। ये 525 हमारे मसल को उसी छिपरा में लेके डूबेंगे, उसी में लेके डूबेंगे जो अलग लगे या सेम सीएम बने घूम रहे। मैं आप सबसे, सभी उन लोगों से, 125 करोड़ लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं, अब की बार एक हो जाओ अपना स्वार्थ छोड़ के।
की बार मत देखो कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे कुछ मिलेगा ये सोचने वालों ने तो देश गुलाम करवाया था। और फिर एक बात बता दूं, अगर अब की बार भी तुम नहीं रुके, अब की बार भी अगर तुमने आवाज नहीं उठाई और अब की बार भी एक साथ नहीं हुए, अब की बार भी अगर तमाशबीन बने रहे, तो मैं दावे से कहता हूं तुम अपने बच्चों को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचो। क्या है, हम कथावाचक आदमी है लेकिन समाज के लिए आवाज उठाते रहेंगे माय डियर, समाज के लिए, देश की अखंडता के लिए अगर हमें कुर्बान होना पड़ा हमें मंजूर, बिल्कुल मंजूर। राजनीति में नहीं, तमाशा बनाने वालों को, तमाशा बनने वालों को और तमाशा देखने वालों को एक हो जाना चाहिए और तमाशा ऐसा बनाओ कि इतिहास में फिर कोई जाति की राजनीति ना करे। मैं इस एक्ट को लेकर सर्व समाज कल्याण पार्टी के बैनर तले जितना भी मेरे से कहेंगे मेरे समय के मुताबिक मैं प्रचार करूंगा, हर जगह जाऊंगा और सब में जागृति लाऊंगा।